हमारी मांगे अपने घर को खूबसूरती से सजाइए। आइए पर्दे वाला द फर्निशिंग बुटीक, यहाँ है टी डेकोर जैसे टॉप ब्रांड्स, कर्टन और सोफा क्लोथ, स्लीपवेल, मैट्रेसेस एवं फोम्स, साथ ही इंडिया सर्कस के होम डेकोर आइटम्स की विशाल रेंज। पर्दे वाला LIC कॉलोनी, वैशाली नगर, अजमेर। परेशान हो रहे हो आप लोग क्या? सर हम 9 दिन से स्कूल में धरना लगा के बैठे हैं, कोई भी प्रशासन या कोई भी अधिकारी आके हमारी सुनवाई नहीं कर रहा है। हमने बार भी लेटर भेजे हैं और हमारा सरकार ट्रांसफर है और राजनीतिक तौर तरीकों से करवाया गया है। वो जो हमारे सरपंच साहब है वो उन्होंने भी आकर एक बार बच्चों से ये नहीं पूछा कि बच्चे यहाँ बाहर क्यों बैठे हैं, और उन जो उन वो मतलब जिन टीचर्स ने जो ट्रांसफर करवाने वाले हैं ना वो उनके मतलब सरपंच साहब के भांजे है वो, तो उन्होंने स्कूल का नाम है राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जामोला अजमेर जिला, वो ब्रजराज मोहन जी है ना जो सरपंच साहब के पिताजी है, वो भी 38 साल तक उन्होंने नौकरी की, एक दिन भी वो विद्यालय के अंदर नहीं गए। उन्होंने मतलब कि पैसे खिला के दूसरे बच्चों को लगा के रखा पढ़ाने के लिए, एक दिन भी विद्यालय में मतलब जाके उन्हीं की तरह उनका भतीजा है वो अनपाल जी राठौड़, वो भी एक बच्ची को 1800 रुपये दे के विद्यालय में लगा रखा है 2 साल से बच्ची को पढ़ाने के लिए। और हम कैसे विश्वास कर लेंगे जो नई टीचर आई है इंग्लिश की व्याख्याता, वो हमें कैसे अच्छा पढ़ाएंगे, हम कैसे विश्वास कर सकते हैं? उनका मतलब ससुर ही ऐसा पढ़ाते हैं तो वो हमें कैसे अच्छा पढ़ा सकते? तो वो सर कैसे पढ़ाते थे आप लोग? वो बहुत अच्छा पढ़ाते थे इंग्लिश में, मतलब कि जो बच्चे मतलब इतना अच्छा सुधार हुआ है ना स्कूल के अंदर उनके आने के बाद, 1 साल के अंदर स्कूल के अंदर बहुत अच्छा सुधार देखा जा सकता है। अच्छा, क्या मानते हो कि जैसे कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया? हाँ, प्राइवेट स्कूल से भी बेटर पढ़ाया जाता है उसमें। अगर ऐसे सर चले जाएंगे तो फिर हमारा स्कूल में वापस वैसे का ही मतलब बहुत अलग सा बदलाव हो गया है स्कूल के अंदर। सभी बच्चे कह रहे हैं कि जब तक वो सर नहीं आएंगे ना तब तक कोई भी बच्चा स्कूल के अंदर प्रवेश नहीं करेगा। मेरा नाम कौन सा स्कूल है, कौन से गांव से आए आप? हम मसूदा जामोला से आए हैं, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय से। वहाँ पे महावीर प्रसाद टेलर का जबरदस्ती ट्रांसफर कराया गया है क्योंकि वहाँ पे उनकी बेटे की बहू को लगवा दिया गया है। आनंदपाल जी हैं, उनकी बेटे की बहू को लगवा दिया गया है जबरदस्ती, और उनको उनका ट्रांसफर किसी दूसरी जगह पे करवा दिया गया है राजनीतिक तरीके से। और वहाँ पे कोई प्रशासनिक भी नहीं आ रहा है कि हमारे कोई सुनवाई करे। आज 9 दिन हो गए, हम लोग परेशान हो गए, हमारी पढ़ाई बिल्कुल बंद है, कोई पढ़ाई भी नहीं करवा रहा है। जब तक सर नहीं आएंगे तब तक बच्चे भी अंदर नहीं जाएंगे। तो वहाँ पे बाहर धरना लगा के बैठे हुए 9 दिन आ गए, बाहर से कोई भी नहीं आ रहा, हमारे कोई भी सुनवाई नहीं हो रही, बच्चों के 1% कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। सर ये धरना 7 दिनों के 7 दिनों से ये धरना चल रहा है, अगर हमारी कोई सुनवाई नहीं की गई है तो ये धरना बच्चे भूख हड़ताल तक उतर जाएंगे। वो बच्चे कितने बच्चे हैं कम से कम? सर 200-250 बच्चे, पूरी स्कूल बाहर है सर इसके अंदर। तो किस तरह से आप लोगों ने वहाँ पर धरना लगा रहा है? सर ये नारे देते हैं बच्चे, कोई भी प्रशासन वहाँ से बाहर देखने के लिए नहीं आता है कि बच्चे कैसे नारे दे रहे हैं। सर कंप्लेन भी की थी बार बार, 2 बार CBO साहब भी आके चले गए थे वहाँ पे, लेकिन उन्होंने कोई सुनवाई नहीं की थी हमारी। या हम कलेक्टर साहब से मिलने आए। अच्छा, वहाँ के MLA हैं, उनसे बात करी आपने तो क्या बोल रहे? वो मिलते ही नहीं है सर, फोन ही नहीं उठा रहे हमारा। आप नहीं आते हैं तो फिर किस तरह से आपकी पढ़ाई खराब हो रही है? सर 7 दिन हो गए, बच्चों की पढ़ाई तो खराब हो ही रही है। सर नहीं आएंगे, सभी बच्चों कहने जब तक सर नहीं आएंगे हम अंदर भी नहीं बैठेंगे, पढ़ाई भी नहीं कर रहे बच्चे। तो से कौन सा स्कूल है, क्या है? देखो सर ये अजमेर जिले से मसूदा 10वां क्षेत्र गांव जामोला पंचायत समिति मसूदा लगती है। बच्चों ने 8-9 दिन से धरना कर रखा है, धूप के अंदर टेंट वेंट लगा के सारी व्यवस्था कर रखी है उन्होंने, लेकिन कोई जनप्रतिनिधि या कोई कुछ सुनवाई नहीं है। बहुत बड़े परेशान होकर सब जगह लेटर दे रहे हैं लेकिन कोई इसका रिप्लाई नहीं आया अभी तक। अब क्या देगा? अभी हम यहाँ आए हैं देखो कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने के लिए। क्या होता है, बच्चे की जिद है कि जब तक वो महावीर जी सर वापस नहीं आएंगे ना तो ये धरना खत्म नहीं करेंगे। अभी आगे से बोल रहे हैं कि हम भूख हड़ताल करेंगे। नाम मेरा नाम दंडराज कटारिया।